पहले भी हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था, नायब सिंह सैनी ने कहा था चुनाव से पहले कि अब समय आ गया है कि जो हरियाणा के अधिकारी कर्मचारी हैं सरकार की विपरीत दिशा के में चलते हैं और उनके कहीं कहीं चूड़ियां टाइट करने की मुख्यमंत्री ने बात कही थी। और अब मुझे लगता है सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भी और पूरी सरकार एक पूरी फॉर्म में काम करने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद सारे कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी मंत्री जो है वो अपने अपने विभागों की ओर हो गए हैं और सब जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो संदेश दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि वो सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती बरतेंगे, पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि वो सरकारी कर्मचारियों की चूड़ियां टाइट करेंगे, इसका मतलब कि वो सरकारी विभाग जो है या सरकारी कर्मचारी जो अपने राजनीतिक जो रिश्ते हैं रिलेशन है उनके प्रभाव से अपने बड़े ऑफिसर्स को या दूसरे लोगों को धौंस दिखाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर सख्ती बरती जा सकती है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब जो सारे मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने विभाग जो संभाल लिए हैं उसके बाद जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर वो हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो भी कर्मचारी जो होंगे जो ढंग से काम नहीं करेंगे उनकी चूड़ियां टाइट की जाएंगी। इसके अलावा कुछ जो लीडर आए हैं उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर सख्ती बरतनी शुरू की है, तो ये किस तरह से जो है जो उन्होंने कहा है कि चूड़ियां टाइट करेंगे या सख्ती बरतेंगे किस तरह से करेंगे? देखिए राजेंद्र जी, अभी हरियाणा में लगभग 20 दिन हुए सरकार को बने हुए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है जी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली है और इससे लगता है कि कहीं कहीं पूरी हरियाणा सरकार आत्मविश्वास से लबालब है और मनोबल पूरा हाई है और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी सरकार फुल फॉर्म में काम शुरू से ही काम करने जा रही है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर और किसी तरह की उनको उन पर ढील नहीं बरतेगी। पहले भी हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था, नायब सिंह सैनी ने कहा था चुनाव से पहले कि अब समय आ गया है कि जो हरियाणा के अधिकारी कर्मचारी हैं सरकार की विपरीत दिशा के में चलते हैं और उनके कहीं ना कहीं चूड़ियां टाइट करने की मुख्यमंत्री ने बात कही थी। और अब मुझे लगता है सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भी और पूरी सरकार एक पूरी फॉर्म में काम करने लगी है और इस प्रकार के संकेत भी मिले हैं कि चूड़ी टाइट करने जैसे संकेतों की अगर बात करें तो पहले जैसे अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ लेते ही अपने डिपार्टमेंट में और बस स्टैंडों पे और उनके जो मातहत जो कार्यालय आते हैं उनके विभागों के मातहत जो कार्यालय आते हैं उनमें दौरा किया और एक संदेश देने का उन्होंने काम किया कि अधिकारी सस्पेंड भी किए अंबाला में शायद एक दो अधिकारी सस्पेंड भी किया और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि अभी किसी तरह की विकास के काम में और जन कल्याण से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के काम में किसी जो कर्मचारी या अधिकारी कोताही बरतेगा तो उनको किसी प्रकार से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई से भी सरकार मुझे लगता है पीछे नहीं हटेगी। कुछ कर्मचारी जो ऐसे होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साठ गांठ होती है या किसी न किसी लीडर से सत्ता पक्ष के लीडर से या मंत्री से साठ गांठ मेल मिलाप ज्यादा होता है वो कहीं ना कहीं उसका रौब दिखाकर अपने जो इमीडिएट बॉस है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करते थे। अब मुझे लगता है सरकार इस पर पूरी टाइट हो गई है और इस प्रकार से किसी तरह की कोई ढिलाई इसमें मामले में अनुशासन के मामले में नहीं बरतेगी। मेरे साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भी सरकार जो है वो सख्त कदम ले सकती है, लेकिन किस तरह के एक्शन हो सकते हैं जो सरकारी कर्मचारियों पर? देखिए, एक्शन सरकारी कर्मचारियों को टाइट करने में सरकार के पास बहुत हथियार होते हैं और जिस प्रकार से हम देखें 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी और सरकार बनते ही उन्होंने सरकार ने एक आदेश जारी किए थे कि
बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही मान्य होगी। उसके बाद 2-3 साल तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सभी अधिकारियों ने कर्मचारियों ने लगाई और उसके प्रति पूरे गंभीर भी थे, और कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं ढीलापन शुरू हो गया। और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने से एक तो ये हो जाता है कि हर कर्मचारी 9 बजे ऑफिस में आएगा और 5 बजे छुट्टी करेगा, उससे कहीं ना कहीं उसका पूरा डाटा उसमें मिल जाता है, और अगर कोई लेट आता है 5 दिन तक या 2 दिन तक लेट आता है तो सरकार के पास पूरा अख्तियार है कि उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासन एक्शन ले सकती है जी। और भी प्रकार कई प्रकार के जो कड़े एक्शन है उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है, 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनी थी और उसके कुछ ही दिन बाद सरकार द्वारा ऑर्डर निकाले गए थे कि जो डीलिंग जो असिस्टेंट होंगे या क्लर्क होंगे या ऊपर के अधिकारी होंगे वो एक पैरामीटर तय किए गए थे, किसी भी तरह के कहाँ फाइल होगी उनके जो टेबल पे रहेगी उसके लिए बाकायदा दिन निश्चित किए गए थे, 3 दिन एक असिस्टेंट के टेबल पे रहेगी, उसके बाद क्लर्क कितने दिन में पुटअप करेगा और उसके बाद अगला अधिकारी के का कितना समय अपने अपने पास फाइल रखने का होगा, इस प्रकार के जो सारे पैरामीटर फाइल प्रोसेस के जो तय किए गए थे वो मुझे लगता है सरकार अभी भी उन ऑर्डरों पर सख्ती से काम करेगी, और तभी जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं तभी एक अनुशासनात्मक तरीके से और बेहतर काम कर पाएंगे, और कहीं कहीं लोगों को फायदा भी होगा, किसी प्रकार के काम में वो डिले नहीं कर पाएंगे, और अगर डिले करेंगे तो वो उनकी जो क्लर्क है असिस्टेंट है या और भी कोई डीलिंग ऑफिसर है डीलिंग असिस्टेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा, और ये सारी जो प्रोसेस है सारी जो उन पे सरकार काम करेगी, और मुझे लगता है कहीं कहीं जो सरकार है ना उन पे एक ग्रिप बनाने की शुरू से ही कोशिश कर रही है ताकि एक स्मूथली काम जो डेवलपमेंट के काम है और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं लोगों तक जिनको जो पहुंचनी है और बिना किसी देरी के वो लोगों तक पहुंच पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेरा साहब कि अगर चीजें जो है वो सिस्टमेटिक होंगी सिस्टम में होंगी और एक प्लान के साथ चीजें चलेंगी तो डेफिनेटली उसका लोगों को फायदा मिलेगा और प्रदेश की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल वो है जो अदा कर पाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए आप, ये चीजें जो है जो हमारे MLAs हैं या जो हमारे मंत्री हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं या जिनके पास डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके ऑफिसर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करके भी इन चीजों को तय कर सकते हैं, एक राजनीतिक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो क्यों है? स्वाभाविक रूप से देखिए जो ये पैरामीटर तय किए जाएंगे और इनके अनुसार ही जो एक ब्यूरोक्रेसी है वो काम करेगी, और जहां तक आपने दबाव बनाने की बात कही तो सरकार ने शुरू में ही संकेत दे दिए हैं, चाहे अनिल विज मंत्री की बात करें और चाहे राव नरबीर सिंह की बात करें, चाहे दूसरे जो MLA हैं विधायक हैं सतपाल जम्बा है उन्होंने एक फील्ड में अधिकारियों को एक ऐसा संकेत दिया कि किसी भी प्रकार की कोताही और किसी भी प्रकार की जो भ्रष्टाचार के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है ये सरकार ने अपने MLAs को और मंत्रियों को और जो जो आला अधिकारी चंडीगढ़ में बैठे हैं उनको निर्देश भी दे दिए हैं आदेश भी दे दिए हैं कि जो कर्मचारी किसी प्रकार का जो पहले अनुशासनहीनता बरतते थे वो अब किसी प्रकार का अनुशासनहीनता का मामला सहन नहीं किया जाएगा, और इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी 1-2 दिन पहले ही देखने में आया है, जो हेल्थ विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि किसी भी प्रकार की जो अनुशासनहीनता है कई उनके इस प्रकार के कई मामले उनके संज्ञान में आए थे कि नीचे जो कर्मचारी हैं वो अपने राजनीतिक जो संपर्क हैं उनसे उनका प्रयोग करके कहीं कहीं जो इमीडिएट बॉस होते हैं उनके आदेशों की पालना में अवहेलना किए कर रहे थे, और इसको देखते हुए डायरेक्टर जनरल ने स्पेशल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तो निर्देश दे ही दिए हैं, इसके साथ दूसरे जो विभाग के अधिकारी आला अधिकारी हैं वो भी इस तरह का लेटर मुझे लगता है शीघ्र ही निकालेंगे ताकि जो कर्मचारी हैं जो उनके मातहत काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर शिकंजा किया जा सके, उनको पूरा अनुशासित तरीके सिखाकर और एक जो ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो शुरू से ही उसको कहीं ना कहीं बेहतर कंट्रोल किया जा सके और बेहतर किया जा सके। जी जी जी, तो ये इस तरह की बातें निश्चित रूप से सरकार द्वारा की जाएंगी
और इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी तरह का अनुशासनहीनता कोई भी कर्मचारी अगर बरतता है तो उसके खिलाफ भी सरकार हरियाणा सिविल सर्विस से 2016-26 नियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। और भी कई प्रकार के जो हरियाणा सिविल सेवा के जो जो नियम है जी, तो उनपे उनके तहत कई ऐसे प्रावधान है कि कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर अनुशासनहीनता का एक सिकंजा उन पर किया जा सकता है, अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया आपको, जो बायोमेट्रिक जब अगर का सिस्टम अगर फिर से प्रभावी रूप से सरकार द्वारा शुरू किया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार के जो कर्मचारी हैं सुबह 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक ऑफिस में एग्जैक्टली ठीक ठाक स्मूथली काम कर पाएंगे, और इससे कहीं कहीं सरकार के काम में भी पारदर्शिता आएगी और जो काम की जो एक वो क्वालिटी है गति है वो बढ़ेगी जी। सो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। कहीं ना कहीं सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो उनसे संबंधित जो कर्मचारी हैं उन पर सख्ती करने की बात कर रहे हैं, उनको एक सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।